नमस्कार फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पे सीखने वाले हैं फोटो बनाने की, पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के कुछ खास तरीके के बारे में, जो अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 8 फोटो बना रखा है, यहाँ पर मैंने देखिए 32 फोटो बना रखा है, और यहाँ पर मैंने 16 फोटो बना रखा है, वो भी बहुत आसान तरीके से सिर्फ एक क्लिक में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं इस तरीके के बारे में। मैं यहाँ पर देखिए फ़ोटो को क्लोज कर लेता हूँ और सब कुछ बिल्कुल शुरुआत से मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए फ़ोटो को मैंने क्लोज कर लिया है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले फ़ोटो को चालू करना है, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस ओ प्रेस किया मैंने, और हमारे पास यहाँ पर फोटो पड़ा हुआ है, तो इस फोटो को यहाँ पर देखिए ले लेता हूँ। सबसे पहले आपको चलना है क्रॉप टूल पे, और फिर यहाँ देखिए आपको लेना है 1.5, यहाँ पर लेना है 2 इंच, और यहाँ पर लेना है 200। फिर यहाँ फोटो को कर लेना है क्रॉप। अब यहाँ देखिए मैंने कह दिया एंटर और फोटो हमारा क्रॉप हो गया है। फिर यहाँ पे चलते हैं, कंट्रोल प्लस ए प्रेस किया है, कंट्रोल डी प्रेस किया मैंने, और अब यहाँ पे शिफ्ट और अल्ट को दबा लेते हैं और यहाँ कोने से हम खींच लेते हैं अंदर की तरफ। फिर यहाँ पे कह दिया मैंने अप्लाई। अब यहाँ पर अगर कोई बॉर्डर लगाना है आपको, तो हम यहाँ पे चलते हैं एडिट मेनू पर, स्ट्रोक पर आते हैं, आपको यहाँ पर लेना है आउटसाइड, यहाँ पर लेना 12 पिक्सल, और यहाँ पर जो भी कलर लेना हो आप ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर लिया मैंने बिल्कुल रेड कलर, और यहाँ पे कह दिया मैंने ओके। फिर यहाँ भी कह दिया मैंने ओके, और अब यहाँ पर बॉर्डर लग चुका है। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी प्रेस करते हैं, और अब यहाँ पे चलेंगे हम एडिट मेनू पर, और फिर यहाँ मिलता है डिफाइन पैटर्न। अब यहाँ पर अपने पैटर्न को कोई नाम देके सेव कर लेना है। अब यहाँ पर अपने पैटर्न को कोई नाम देकर सेव कर लेना है। तो फिलहाल यहाँ पर दिया मैंने इमेज, और यहाँ पे कह दिया मैंने ओके। फिर यहाँ पर चलते हैं, कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, और यहाँ पर हमको भरना है 1200, यहाँ पर भरना है 800, फिर यहाँ भरना 200, और फिर यहाँ पे करते हैं ओके। और अब यहाँ पे हम चलेंगे एडिट मेनू पर, फिर यहाँ पर मिलता है फिल ऑप्शन, और यहाँ पर क्या है, हमको यहाँ पे लेना पैटर्न, और जो पैटर्न बनाकर आपने सेव किया हुआ है उसको यहाँ से ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे करते हैं ओके। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कितनी आसानी से 8 फोटो बन गए हैं। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कंट्रोल प्लस एन कहा मैंने, हमको 16 फोटो बनाने हैं, तो यहाँ देखिए भर लिया मैंने 1600, फिर यहाँ पे कह दिया मैंने ओके। एडिट मेनू पर चलते हैं, फिल ऑप्शन पे आते हैं, और फिर से यहाँ पर उसी पैटर्न को फिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे कहा मैंने ओके। आप यहाँ देख पा रहे हैं कितनी आसानी से 16 फोटो बन गए हैं। अगर यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कंट्रोल प्लस एन कहा आपको बनाने हैं 32 फोटो, तो जहाँ पर दिया 1200, यहाँ पे कर लिया मैंने 2400, और फिर यहाँ पे कह दिया मैंने ओके। और फिर से यहाँ पे चलते हैं एडिट मेनू पर, और जो पैटर्न आपने बना के सेव किया हुआ है उसको यहाँ पर फिल कर लेते हैं, और यहाँ देखिए कह दिया मैंने ओके, पैटर्न हमारा फिल हो गया है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कितनी आसानी से आप 16 फोटो, 8 फोटो और 32 फोटो आप आसानी से बना पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर तरीका अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।